हेडलाइन के प्रायोजक हैं एशप्रा। गोरखपुर न्यूज के सह प्रायोजक हैं डॉक्टर राणा हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड एंड ट्रामा सेंटर। मंडलायुक्त की अध्यक्षता में संपन्न हुई विकास कार्यों की मंडलीय समीक्षा बैठक। 1 नवंबर से होने वाले धान खरीद की तैयारियां पूरी करने के दिए निर्देश। 15,000 के इनामी शातिर लुटेरे को पुलिस ने किया गिरफ्तार। लूट के कई घटनाओं में था वांछित, एसपी नॉर्थ ने किया खुलासा। गोरखपुर विश्वविद्यालय के छात्र संघ चुनाव की मांग को लेकर कुलपति की गाड़ी के सामने लेटे छात्र, पुलिस के काफी हस्तक्षेप के बाद माने, कहा चुनाव तिथि घोषित होने तक होता रहेगा आंदोलन। पुलिस लाइन सभागार में आईजी की अध्यक्षता में अपराध नियंत्रण में मानव अधिकार संरक्षण परस्पर विरोधाभासी विषय पर आयोजित हुई वाद विवाद प्रतियोगिता। गोंडा के हिमांशी और बस्ती के नीरज बने विजेता, आईजी ने किया पुरस्कृत। रेलवे बोर्ड के सदस्य, रोलिंग स्टॉक एवं भारत सरकार पदेन सचिव ने यांत्रिक कारखाना का किया गहन निरीक्षण। कारखाने की कार्यप्रणाली पर खुश होकर किया 1,00,000 रुपए के पुरस्कार देने की घोषणा। पुलिस कर्मियों एवं उनके परिजनों के स्वास्थ्य लाभ के लिए राजकीय रेलवे पुलिस लाइन में लगाया गया निशुल्क हेल्थ कैंप, दिया गया परामर्श और दवाएं। महानगर की साफ सफाई की व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए नगर आयुक्त की अध्यक्षता में संपन्न हुई बैठक। सुपरवाइजरों को दिए गए आवश्यक दिशा निर्देश। समाजवादी पार्टी की महिला प्रदेश अध्यक्ष का हुआ जोरदार स्वागत, कहा आगामी लोकसभा चुनाव में पार्टी की जीत के लिए ब्लॉक स्तर पर बैठक कर पार्टी को बनाऊंगी मजबूत। मिशन साहसी के अंतर्गत अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद छात्राओं को सिखाएगा आत्मरक्षा के गुर। श्री शंकर गौड़ को अनियमित छात्र मानते हुए गोरखपुर विश्वविद्यालय प्रशासन ने उनके गोरखपुर विश्वविद्यालय में प्रवेश पर लगाया प्रतिबंध। बकाया मानदेय को लेकर उपवास पर बैठे ग्राम रोजगार सेवकों ने चौथे दिन मांग का जागरण कर जताया विरोध। दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के वार्षिक खेलकूद प्रतियोगिता का हुआ समापन। श्री गुरुकुल पीजी कॉलेज बढ़लगंज बनी ओवरऑल विजेता। 98 लक्ष्य वरिष्ठ उत्तर प्रदेश स्टेट बास्केटबॉल महिला और पुरुष चैंपियनशिप में NER गोरखपुर और बनारस के महिलाओं के बीच होगा खिताबी भिड़ंत। 64वीं प्रदेशीय विश्वविद्यालय सब जूनियर और सीनियर बालक बालिका हॉकी 2018 प्रतियोगिता का रंगारंग कार्यक्रम के साथ हुआ आगाज। प्रतियोगिता के उद्घाटन मैच में इलाहाबाद ने आजमगढ़ को 2-0 से हराया। राज्य स्तरीय महिला फुटबॉल प्रतियोगिता की विजेता बनने के लिए मंडल की लड़कियों ने कड़ी मेहनत कर बहाया पसीना, सीखे गुर। और मानसरोवर मैदान में आयोजित रामलीला में ADM सिटी, SP सिटी सहित अन्य अधिकारियों और पदाधिकारियों ने उतारी राम दरबार की आरती। श्री राम के चित्रकूट चित्रण से भाव विभोर हो उठे दर्शक।